going to start with another organelle of bacteria, that is cell wall. Cell wall की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आउटर मोस्ट कंपोनेंट है बैक्टीरिया का. लेकिन एक स्पीशी जो कि जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, इसके पास ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन ही होती है. सेल वॉल जो है ये कंपोज होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की. पेप्टिडोग्लाइकेन क्या चीज़ है? पेप्टिडोग्लाइकेन एक कम्प्लेक्स इंटरवोवन नेटवर्क है जो कि मिलके बना है हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन सेगमेंट्स और साथ में जिसके अंदर पेप्टाइड्स हैं और ग्लाइकेन शुगर मॉलिक्यूल्स हैं. पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की वजह से हमारे पास दो तरह से बैक्टीरिया बन जाते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे होते हैं ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव के अंदर थिकर सेल वॉल होती है, थिकर पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर थिन पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है. इन दोनों की इसकी वजह से हमारे पास इन दोनों की स्टेनिंग के अंदर डिफरेंस आ जाता है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसके अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स आउटर लेयर कौन सी होती है? लिपोपोलिसक्राइड्स, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स की. जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर ऐसा नहीं है. ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास हमने कहा कि थिन पेप्टिडोग्लाइकेन होगा, तो थिन पेप्टिडोग्लाइकेन होगा तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में एक स्पेस बन जाएगी जिसको हम कहेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस. इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ इंजाइम्स होते हैं, लाइक बीटा लैक्टामेजेस जो हैं वो डिग्रेड कर देते हैं पेंसिलिन और बीटा लैक्टम ड्रग्स को, जिसकी वजह से हमारे पास ग्राम नेगेटिव जो हैं वो ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं. इसके अलावा ग्राम नेगेटिव क्यों डेंजरस हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर बाहर उनके हमने कहा था कि लिपोपोलिसक्राइड की लेयर है. लिपोपोलिसक्राइड की लेयर जो है वो एस एंडोटॉक्सिन एक्ट करती है और हमारे पास पोलिसक्राइड्स और प्रोटीन्स जो हैं ये एस एंटीजन्स एक्ट करते हैं लैब आइडेंटिफिकेशन के अलावा, लैब आइडेंटिफिकेशन में. इसके अलावा हमारे पास एक पोरिन प्रोटीन है, वो पोरिन प्रोटीन क्या करती है? फैसिलिटेट करती है स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को इनटू द सेल, पैसेज बना के देती है इनको सेल के अंदर जाने के लिए. अमीनो एसिड, विटामिन, मेटल्स और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लाइक पेंसिलिन वगैरह ये पोरिन मॉलिक्यूल से अंदर जा सकती हैं. इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो सेल वॉल जब उनकी स्टेनिंग करते हैं, सेल वॉल की वजह से स्टेनिंग होती है डिफरेंट तरह की. जब उनको सेल वॉल की स्टेनिंग करते हैं तो उनका कलर नहीं आता ग्राम स्टेनिंग के अंदर, इनएबिलिटी होती है उनकी ग्राम स्टेनिंग की, तो उनके लिए हम स्पेशल स्टेन यूज़ करते हैं जिसका नाम है एसिड स्टेन या जेड एन स्टेन. ये बैक्टीरिया कौन से हैं? माइकोबैक्टीरिया माइकोलिक एसिड की वजह से इनके अंदर हमारे पास हाई कंसेंट्रेशन ऑफ लिपिड माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर, जिसकी वजह से ये स्टेन नहीं होते प्रॉपरली, तो एसिड स्टेन यूज़ करते हैं इनके लिए, एसिड फास्ट स्टेन या जेड एन स्टेन. ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. दिस वन इज़ पॉजिटिव वन एंड दिस वन इज़ नेगेटिव वन. इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन चेक करें कितना थिक है, और इसके अंदर बहुत थिन पेप्टिडोग्लाइकेन है. पेप्टिडोग्लाइकेन की वजह से थिन होने की वजह से यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस बन गई है जहाँ पे बीटा लैक्टामेसेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा हमारे पास ग्राम नेगेटिव के बाहर एक लेयर होती है लिपोपोलिसक्राइड्स वगैरह की, जिसकी वजह से इसके अंदर एंडोटॉक्सिन होता है. ये बातें हम पहले कर चुके हैं. और एक डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में है टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव, एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव. ये है हमारे पास कंपोजिशन सेल वॉल की. सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसके अंदर ग्लाइकेन चेन के अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं NAG और NAM, N-acetyl glactose, and N-acetyl muramic acid. ये इन दोनों से मिलके हमारे पास ग्लाइकेन चेन बनी हुई होती है. पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर हमारे पास टेट्रापेप्टाइड चेन लगी हुई होती है. टेट्रापेप्टाइड का मतलब इस चेन के अंदर चार अमीनो एसिड्स जो हैं वो लिंक हुए हुए होंगे, और इन दोनों के दरमियान में एक टेट्रापेप्टाइड एक साइड से, दूसरा टेट्रापेप्टाइड दूसरी साइड से, ये दोनों आपस में लिंक करेंगे और इंटरब्रिज करेंगे पेप्टाइड इंटरब्रिज के ज़रिए. और ये इंटरब्रिज किसमें होता है? ग्राम पॉजिटिव के अंदर, ग्राम पॉजिटिव सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. यानी कि ग्लाइकेन चेन के साथ पॉलीपेप्टाइड अटैच है जो कि टेट्रापेप्टाइड है. दो दो टेट्रापेप्टाइड्स और ग्लाइकेन चेन आपस में इंटरब्रिज करेंगे ग्राम पॉजिटिव वाले के अंदर. कार्बोहाइड्रेट बैकबोन किस चीज़ की बनी हुई है? हमारे पास एनएसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन मॉलिक्यूल्स की, यानी कि NAM और NAG की. इनके साथ हमारे पास टेट्रापेप्टाइड है. टेट्रापेप्टाइड के अंदर डी और एल अमीनो एसिड दोनों तरह के होते हैं. अब हमारे पास कुछ के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया, क्रॉस लिंक होती है बिटवीन द टेट्रापेप्टाइड, और ये हमारे पास किसकी वजह से होती है? डाई अमीनो पैमेलिक एसिड की वजह से हमारे पास ये क्रॉस लिंकिंग होती है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से बैक्टीरिया के अंदर? स्टाफ ऑरियस
चूंकि पेप्टाइडोग्लाइकिन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है लेकिन ह्यूमन सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग ज़्यादातर इस तरह की बनाई जाती हैं कि वो पेप्टाइडोग्लाइकिन को डिस्ट्रॉय करें ताकि सिर्फ बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय हों और ह्यूमन सेल जो है वो सेफ रहे। इसके बाद हमारे पास है ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास चार स्टेन होते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, डीकलराइजिंग एजेंट और सेफ्रानिन। CIDs इसका निमोनिक बन जाता है। क्रिस्टल वॉयलेट डाइप, सबसे पहले हम कोई भी बैक्टीरिया लेते हैं, बैक्टीरिया लेके या कलोनी लेके उसके ऊपर डालते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट डालने से उसको पर्पल या ब्लू कलर आ जाता है। फिर हम उसके ऊपर आयोडीन डालते हैं। आयोडीन डालने से जो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन, क्रिस्टल वॉयलेट है और आयोडीन, ये दोनों मिलकर कम्प्लेक्स बना देते हैं और सारे सेल अभी भी ब्लू या पर्पल ही रहते हैं। फिर हम कोई भी डीकलराइजर लाइक एसीटोन या अल्कोहल डालते हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव्स हैं उनके अंदर ये कम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है और वो कलरलेस हो जाते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो हैं वो स्टिल पर्पल ही रहते हैं और ग्राम नेगेटिव क्या हो जाते हैं, कलरलेस। कलरलेस के बाद अब इसके बाद लास्ट डाई डालते हैं हम सेफ्रानिन। सेफ्रानिन जब हम डालते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव है उनको तो पहले ही कलर है, जो ग्राम नेगेटिव हैं जो कि कलरलेस हुए थे उनका कलर पिंक या रेड हो जाता है। ये टोटल प्रोसीजर है हमारे पास ग्राम स्टेनिंग का। ग्राम स्टेनिंग का यूज़ क्या है, एक तो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कर सकते हैं, दूसरा ये कि हम एंटीबायोटिक की चॉइस कर सकते हैं, लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो मोर ससेप्टेबल होते हैं पेंसिलिन जी को ग्राम नेगेटिव से। कुछ बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल ग्राम स्टेनिंग नहीं करती वो कौन कौन से हैं, इनको याद करने के लिए एक निमोनिक है जिसका नाम है दीज रास्कल्स मे माइक्रोस्कोपी लैक कलर। दीज रास्कल्स मे माइक्रोस्कोपी लैक कलर। ट्रिपोनिमा पैलेडम, रिकेट्शिया, माइकोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, लिजिनेला एंड क्लेमाइडिया, ये बैक्टीरिया वो हैं जो कि कलर लैक करते हैं। इनको फिर डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए स्टेन किया जाता है। माइकोबैक्टीरिया का जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि उसके अंदर लिपिड बहुत ज़्यादा होता है, माइकोलिक एसिड, तो इसको हम कौन सा स्टेन करते हैं, एसिड फास्ट स्टेन। ट्रिपोनिमा पैलेडम जो है वो बहुत थिन होता है जिसकी वजह से इसको हम फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी के जरिए स्टेन करते हैं या देखते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सा, वेरी स्मॉल होता है, सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, तो इसको हम देख ही नहीं सकते। इसके अलावा लिजुनेला, ये हमारे पास रेड स्टेन जो काउंटर हम देते हैं सेफ्रानिन वाला वो नहीं होता, तो इसमें हम ये करते हैं कि प्रोलॉन्ग द टाइम ऑफ काउंटर स्टेन को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए देते हैं। पाँचवा है हमारे पास क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया की अगर हम बात करें तो ये इंट्रासेलुलर वेरी स्मॉल, और रिकेट्शिया का भी यही है कि इंट्रासेलुलर होता है, बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से इसको स्टेन नहीं आता। क्लेमाइडिया को हम देखते हैं इंट्रूजन बॉडीज के जरिए और रिकेट्शिया को जिंसा स्टेन। इसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ह्यूमन सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे, ह्यूमन टेयर्स में, म्यूकस में और स्लाइवा में, और ये जो है पेप्टिडोग्लाइकेन को ब्रेक कर सकते हैं और नेचुरली हमारे पास रेजिस्टेंट टू द होस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन। लाइसोजाइम ट्रीटेड बैक्टीरिया जो है वो स्वेल करते हैं और रप्चर कर जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल उनका। अब चूँकि हमारे पास लाइसोजाइम से हमने बैक्टीरिया को लाइसोजाइम डाल दिया उनके पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि सेल वॉल रप्चर हो गई। जब उनको हमने पानी में डाला तो बैक्टीरिया का इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा जिसकी वजह से बैक्टीरिया रप्चर कर गए। हाउएवर इफ द लाइसोसोमल ट्रीटेड सेल सेम सॉल्यूशन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर रखेंगे तो बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करेंगे इन द स्फेरिकल फॉर्म, जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या, हमारे पास हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिमूव किया, कैसे रिमूव किया, बाय ट्रीटिंग इट विद लाइसोजाइम। इसके बाद हमारे पास है लिपोपोलीसेक्राइड। लिपोपोलीसेक्राइड की अगर बात करें तो ये है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, लेकिन किस केस के अंदर, ग्राम नेगेटिव के अंदर। हमने कहा था ग्राम नेगेटिव के अंदर हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो थिन लेयर होती है, लेकिन इसके आउटर, इसके पास बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा दो लेयर होती हैं। एक तो लेयर होगी ना, ये आ गया हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर भी एक लिपोपोलीसेक्राइड की लेयर होती है इन ग्राम नेगेटिव केस। लिपोपोलीसेक्राइड जो है वो एस एंडोटॉक्सिन एक्ट करता है, एंडोटॉक्सिन है तो यहाँ पे डिजीजेस डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट डिजीज के अंदर ये शॉक या फीवर का रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके अलावा हमारे पास एंडोटॉक्सिन है इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव,
और एक्सोटॉक्सिन होता है एक और टॉक्सिन जो कि बैक्टीरिया स्क्रीट करते हैं। ये आगे हम जब स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट बैक्टीरिया के डिफरेंट एक्सोटॉक्सिन हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जो सिम्टम्स हमारे पास किसी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एंडोटॉक्सिन की वजह से प्रोड्यूस होंगे वो सिमिलर ही होंगे दूसरे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह, लेकिन वो सिम्टम जो एक्सोटॉक्सिन्स की वजह से प्रोड्यूस होंगे डिफरेंट बैक्टीरिया के वो डिफरेंट होंगे। लाइक एंडोटॉक्सिन क्या करेगा हमारे पास, फीवर और शॉक। लिपोपोलीसेक्राइड की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास पोलीसेक्राइड होता है जिसके अंदर ओ एंटीजन प्रेजेंट होता है, एक कोर प्रेजेंट होता है, डाइसेक्राइड डाइफॉस्फेट और फैटी एसिड। फैटी एसिड कौन सा, लिपिड ए। लिपिड ए डाइसेक्राइड डाइफॉस्फाइड और फैटी एसिड लिपिड ए बनाते हैं, साथ में कोर होता है और पोलीसेक्राइड होता है जो कि ओ एंटीजन कंसिस्ट करता है। अ फॉस्फोलिपिड कॉल्ड लिपिड ए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक इफेक्ट जो कि ग्राम नेगेटिव को दे रहा है। इसके अलावा कोर पोलीसेक्राइड होता है जिसके अंदर कीटो डिऑक्सी ऑक्टोनालेट होता है। कोर पोलीसेक्राइड ये कनेक्ट होता है थ्रू लिपिड ए को कनेक्ट किया हुआ होता है इसने, और इसके अलावा आउटर पोलीसेक्राइड के अंदर 25 रिपीटिंग यूनिट होते हैं 3 to 5 शुगर्स के। और कुछ बैक्टीरिया लाइक निजेरिया स्पीशीज के अंदर, निजेरिया जीनस के अंदर लिपो ऑलिगोसेक्राइड होता है, पोलीसेक्राइड की वजह बजाय लिपो ऑलिगोसेक्राइड्स होते हैं। हम लिपोपोलीसेक्राइड की वजह से सर्टन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। टिकोइक एसिड हमारे पास किसकी फीचर है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल के अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड जो है उसके अंदर हमारे पास पेनिट्रेट करता है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर को, और ये हमारे पास लिंक करता है सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को, और इस वजह से इसको हम कहते हैं लिपोटिकोइक एसिड। लिपिड के जरिए ये लिंक करता है सेल मेम्ब्रेन को। टिकोइक एसिड की एबिलिटी क्या है कि ये इंड्यूस कराता है सेप्टिक शॉक, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से सेप्टिक शॉक हो सकता है, जबकि हमारे पास यही क्वालिटी ग्राम नेगेटिव में कैसे आई है, एंडोटॉक्सिन यानी कि लिपोपोलीसेक्राइड की वजह से। टिकोइक एसिड जो है वो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया के अंदर अटैचमेंट का भी काम देता है लाइक स्टिफलोकोकस टू द म्यूकस सेल, और ग्राम नेगेटिव के अंदर टिकोइक एसिड नहीं होता।